हेलो गाइस, आज मैं बनाऊंगी कटहल। कटहल की रेसिपी के लिए मैंने 3 बड़ी प्याज ले लिए और 4 से 5 मैंने मिर्ची कट कर लिए और 6 से 7 मैंने लहसुन लिए थे और 1 बड़ा टमाटर मैंने काट लिया है। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल में पानी गर्म कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, फिर डाल देंगे हम कटहल पानी में। अब हाई फ्लेम पे कटहल को 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। इसको ढक देते हैं पहले। 5 मिनट हो गए हैं, कटहल को चेक कर लेते हैं। अब कटहल को चेक कर लेते हैं, कटहल बॉईल हो गया अच्छे से। कटहल को पानी में से निकाल लेंगे। अब बचे हुए पानी को हम फेंकेंगे नहीं, कटहल की ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे इस पानी को। अब एक पैन में तेल गरम कर लेंगे कटहल को फ्राई करने के लिए। तेल गरम हो गया है, अब कटहल डाल देते हैं तेल में। कटहल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब कटहल फ्राई हो गया है, इसको तेल में से निकाल लेते हैं। अब बचे हुए तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। मैंने उसी तेल का यूज़ कर लिया है। तेल गरम हो गया है, अब इसमें ज़ीरा फ्राई कर लेंगे। साथ ही में हम लहसुन भी फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा और लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है, अब डाल देते हैं प्याज। प्याज को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ में डाल देंगे हम हरी मिर्च। प्याज मिर्ची फ्राई हो गई है, अब डाल देते हैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब डाल देते हैं इसमें टमाटर। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज मिर्ची में। मिक्स हो गए हैं, अब मसाले ऐड कर देते हैं। मैंने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया गरम मसाला, फिर लिया है मैंने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं मसाले में। अब 2 मिनट के लिए मसाले को पकने देंगे। मसाला फ्राई हो गया है, अब डाल देंगे इसमें कटहल। मसाले में कटहल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कटहल को मैंने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने उसी पानी का इस्तेमाल किया है कटहल को मिला के। 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब कढ़ाई को ढक देते हैं, हम मीडियम गैस पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे।
5 मिनट हो गए हैं, सब्जी को चेक कर लेते हैं। अब कटहल की सब्जी बनके रेडी हो गई है, अब डाल देते हैं इसमें हरा धनिया। धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कटहल को 2 मिनट के लिए और पकने देते हैं। अभी 2 मिनट हो गए हैं, कटहल अच्छे से बनके रेडी हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। अगर आपको मेरी कटहल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।